गुड मॉर्निंग इंडिया दोस्तों, आपका दोस्त और होस्ट राकेश मिश्रा हाजिर है इस मंडे की सुबह की सभा में। सो दोस्तों, आज लगभग 2 महीने से ऊपर हो गया है, अराउंड 10 हफ्ते हो गए हैं, एंड आप लोगों के इनकरेजमेंट और सपोर्ट से एवरी वीक कंटिन्यूसली मंडे मॉर्निंग को हम मिलते हैं आपसे दोस्तों। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके और अपने विचारों को शेयर करके। जो सीखा पिछले इतने दिनों में हिंदुस्तान से 20 साल बाहर रह के या हिंदुस्तान के अंदर रह के, लगभग आधी आधी ज़िंदगी दोनों जगहों में बटी हुई है। सो दोस्तों, आज का टॉपिक, और दोस्तों आज का जो टॉपिक है, सो वेलकम नीता जी, यू आर द फर्स्ट वन टू ज्वाइन मी हियर। तो दोस्तों जो आज का टॉपिक है वो है इम्पोस्टर सिंड्रोम। तो उसकी हिंदी देख रहा था तो इम्पोस्टर सिंड्रोम की हिंदी मिली कि ढोंग, इम्पोस्टर मीन्स ढोंग। तो चलिए दोस्तों आज बात करते हैं कि ये इम्पोस्टर सिंड्रोम ने कितने लोगों को बर्बाद किया है, कितने लोगों को अपने सपनों को जीने से रोका है। सो दोस्तों, ये इम्पोस्टर सिंड्रोम बहुत ही खतरनाक बीमारी है एक तरीके से। तो इम्पोस्टर सिंड्रोम से दोस्तों होता क्या है कि हमारे अंदर एक सेल्फ डाउट आ जाता है। उससे क्या होता है दोस्तों कि इम्पोस्टर सिंड्रोम होने की वजह से, इम्पोस्टर सिंड्रोम है क्या बेसिकली, तो अगर हम इंग्लिश में एक दो शब्दों में बोलना चाहें तो इम्पोस्टर सिंड्रोम जो है वो क्या होता है कि इम्पोस्टर सिंड्रोम फोर्सेज यू नॉट टू ट्राई बाय क्रिएटिंग द सेल्फ डाउट विद इन योरसेल्फ। मतलब इस सेल्फ डाउट की वजह से क्या होता है कि आप बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में, चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे आपका कैरियर हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे कोई डिसीजन हो, उसको लेने में आपको डर लगता है, अरे फेल हो गया हो तो क्या। क्योंकि सेल्फ डाउट क्या करता है, जो इम्पोस्टर सिंड्रोम आपके अंदर सेल्फ डाउट क्रिएट करता है। और सेल्फ डाउट होता क्या है, सेल्फ डाउट आपसे आपस में बात करता है, यू टॉक विद इन योर सेल्फ। क्यों, क्या बोलते हो कि आई विल नॉट बी सक्सेसफुल ऑन दिस पर्टिकुलर वेंचर बिकॉज आई एम नॉट इंटेलिजेंट एनफ, आई एम नॉट ओल्ड एनफ, आई एम नॉट रिच एनफ, I am not knowledgeable enough, I am not resourceful enough, I am not experienced enough। कि ना तो मेरे अंदर उतना एक्सपीरियंस है, ना उतनी नॉलेज है, ना उतना पैसा है, ना मैं उतना, अभी मैं बहुत छोटा हूँ या अभी मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। वो सारे एक्सक्यूज जो सेल्फ डाउट हैं उसकी ओरिजिन होती है दोस्तों इम्पोस्टर सिंड्रोम। जस्ट थोड़ी देर मेरे साथ रहें, मैं ये भी बताऊंगा कि इस इम्पोस्टर सिंड्रोम से कैसे बचें या अगर आपके अंदर आ गया है तो उसको कैसे रिमूव करें दोस्तों। सो ये इम्पोस्टर सिंड्रोम बहुत ही खतरनाक बीमारी है दोस्तों, आप समझ गए होंगे। और एक तरह से फिर थोड़ा सा रैपअप करूंगा कि आज का टॉपिक दोस्तों है इम्पोस्टर सिंड्रोम। इम्पोस्टर सिंड्रोम क्या करता है कि इम्पोस्टर सिंड्रोम फोर्सेज यू नॉट टू ट्राई बिकॉज इट क्रिएट्स अ सेल्फ डाउट, आत्मसंदेह। अपने आप को हमेशा अपने आप में संदेह रहता है क्योंकि हम ये चीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अभी जैसे हमने आपको बताया कि मेरी इतनी उम्र नहीं, अभी मैं बहुत छोटा हूँ, या अभी मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, या हमारे पास इतना पैसा नहीं है, रिसोर्सेज नहीं, नॉलेज नहीं, एजुकेशन नहीं है, और उससे आप दोस्तों ट्राई ही नहीं करते। या लेकिन इन सबके साथ एक गुड न्यूज है, अगर आपके अंदर इम्पोस्टर सिंड्रोम है इसका मतलब है कि आप रेस्टलेस हैं, आप रेस्टलेस हैं, आपके अंदर एक ठहराव नहीं है, क्योंकि आपके अंदर एक छटपटाहट है, क्योंकि आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं। तो दोस्तों जब आप कुछ ट्राई करना चाहोगे तभी आपके अंदर डर आएगा, और क्योंकि वो इम्पोस्टर सिंड्रोम की वजह से होता है। तो इम्पोस्टर सिंड्रोम का होना आपके अंदर ये एक तरीके से गुड न्यूज है, क्योंकि यू आर ट्राइंग टू समथिंग, यू आर ट्राइंग नॉट टू फिट इनटू द सिस्टम दोस्तों। तो गुड न्यूज ये है कि इफ यू हैव इम्पोस्टर सिंड्रोम इट मींस यू डू नॉट वांट टू सेटल विद मीडियोक्रिटी, यू वांट टू चेंज, यू आर रेस्टलेस बिकॉज यू वांट टू मेक एन इम्पैक्ट टू द सोसाइटी, टू द वर्ल्ड।
यू आर स्ट्रेचिंग योर सेल्फ बियॉन्ड योर कम्फर्ट जोन. दोस्तों तुम वहीं पर रहना नहीं चाहते, एक मीडियोकर की जिंदगी जीना नहीं चाहते. यू वॉन्ट ब्रिंग द चेंज टू द वर्ल्ड. Not only that, you want to become myth-buster. जो myth थी ना पहले, अरे पैसे पेड़ों पे नहीं लगते, अरे ये हमारे बस की बात नहीं है, अरे हम तो गांव के लोग हैं. उन आज की डेट पे कितने myth-buster पैदा हुए हैं. तो अगर आपके अंदर imposter syndrome है, it means you want to become a myth-buster. You want to become a leader to the masses. You want to become inspiration to the masses. दोस्तों, you want to become a motivation to the masses. You want to become a hope to the masses. क्योंकि आप करोगे तो आपकी वजह से उन लोगों को होप होगी जिनके अंदर अभी imposter syndrome, सेल्फ डाउट आया ही नहीं है, क्योंकि उनके बाद उनको अभी उतना सोचने का मौका ही नहीं मिला, वहाँ तक भी वो नहीं सोच सकते. इसीलिए दोस्तों, अगर आपके अंदर imposter syndrome है, that is the first seed of prosperity. अब आपको उससे जूझना है, उससे लड़ना है, और वो उतना मुश्किल नहीं होगा अगर आप प्रॉपर स्टेप फॉलो करें. आता हूँ मैं कि हाउ टू रिमूव इम्पोस्टर सिंड्रोम. सो दोस्तों, कुछ लोगों ने हमें यहाँ पे ज्वाइन किया है, हमारे नीता जी, महेंद्र बाबू, देवी शंकर भट्ट साहब, एंड जान मोहम्मद इस्माइल साहब, राहुल सिंह जी, एंड अमित, एंड देवी क्लॉट. सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग. सो लेट्स गो हाउ टू रिमूव इम्पोस्टर सिंड्रोम. So, दोस्तों, इम्पोस्टर सिंड्रोम रिमूव करें इसके पहले चलिए थोड़ा सा मैं अपनी जिंदगी में आता हूं कि ये इम्पोस्टर सिंड्रोम का रोल मेरी जिंदगी में क्या रहा है और मैंने इसको कैसे रिमूव किया या इसको कैसे मैंने एक तरीके से एज ए पॉजिटिव टूल मैंने यूज किया अपनी लाइफ में. सो दोस्तों, जैसा कि बहुत लोग अब मेरे बारे में जानते होंगे, इतने दिन से मैं हर बार कुछ ना कुछ अपनी लाइफ से शेयर करता हूं. सो दोस्तों, क्या हुआ कि जब मैं उस गांव में बड़ा हो रहा था, एक छोटे से गांव में कोई रिसोर्सेज नहीं, या पहले भी बताया है, मैं एक बार फिर से रिट्रेट करना चाहूँगा, मैं उस गांव की बात करता हूँ जहाँ मैं बचपना ऐसे जगह पल रहा था कि वहाँ पे कोई मॉडर्न एमिनिटी से कोई दूर दूर का नाता नहीं था. दोस्तों, ना घर में टेलीविज़न, ना इलेक्ट्रिसिटी, ना टेलीफोन, ना कोई कार, ना कोई बाइक, कुछ था ही नहीं. ये रिसोर्सेज क्या था? ट्रांसपोर्टेशन रिसोर्स, बाइसाइकिल एंड बुलक कार्ट, बैलगाड़ी और बाइसाइकिल, यही हमारे ट्रांसपोर्टेशन के साधन थे या तांगा हुआ करता था. या तो मैं वहाँ से निकला, तो मैं सोचा कि हमारी कई जनरेशन इसी गांव में, जब से हम लोगों को याद है, कुछ एक्सेप्शन छोड़ के, कुछ लोग शायद बाहर चले गए थे, हमारे बाबा परदादा, अदरवाइज ज़्यादातर लोग उसी गाँव में पैदा हुए और उसी गाँव में ख़त्म हो गए. तो मैं सोचता था, अरे यही ज़िंदगी है क्या? तो मैं सोचा कि यार चलो कुछ कोशिश तो करते हैं. तो मुझे अच्छी तरीके से याद नहीं, चाहे वो कोई मुंशी प्रेमचंद की कोई किताब रही हो या कोई एक हिंदी में किताब थी या कुछ भी धुंधला सा याद है कि उसमें क्या हुआ कि एक चीज़ मैंने पढ़ी एक छोटी सी कहानी के फॉर्म में, और उस कहानी में लिखा था, एक कंपेरिजन किया गया था गुलाब के फूल और बबूल के कांटे में. दोस्तों, तो अपने आप में सोचो कि बबूल के कांटे में और गुलाब के फूल में क्या फर्क होता है. तो देखो, तो बड़ा सीधा फर्क है, वो बड़ा दुबला पतला सा कांटा और एक बबूल का गुलाब का फूल, खूबसूरत सा फूल, किसी भी कलर में हो, गुलाब होता है. तो उसमें वो कहानी में ये बताया गया था कि गुलाब के फूल में और बबूल के कांटे में फर्क ये होता है कि बबूल के कांटे को मुरझाने का डर नहीं होता. तो इन अदर वर्ड, जिसके पास कुछ भी नहीं है वो मैं था. कि अब क्या था कि उससे ज़्यादा मैं लूज़ किया करता, तो जितना भी कोई आगे मैं स्टेप लूँगा दोस्तों, तो आगे कुछ ना कुछ मिलेगा ही, लूज़ करने का कुछ था ही नहीं. और बस उसी कहानी, एक वो भी कहानी थी कि जिसकी वजह से आगे बस स्टेप लेता गया. क्योंकि क्या होता है कि गुलाब का फूल का मतलब क्या है कि भाई वो आदमी जो हर तरीके से धन दौलत से, पैसे रुपए से, परिवार से, सारी सुख सुविधाओं से अगर लैस है, तो उसको क्या है, उसको यही कभी कभी डर होता कि अगर ये सब चला गया तो क्या होगा. तो उसको रिस्क लेने में थोड़ा डर होता है. लेकिन जिसके पास कुछ भी नहीं, वो बबूल का कांटा होता है, उससे ज़्यादा बबूल कांटा, उससे ज़्यादा क्या मुरझाएगा, उससे ज़्यादा क्या पतला होगा, उसको कुछ भी लूज करने को नहीं है. तो दोस्तों, वो कहानी की बदौलत बस ये बबूल का कांटा आगे आगे थोड़ा सा फूलता, फूल तो नहीं लेकिन उस कांटे से कुछ ना कुछ उसमें फ़र्क ज़रूर पड़ा, और उस गाँव से
इस बड़े शहर के गांव में आ गया, उस गांव जगना खेड़ा से यहां पे एक रिचमंड हिल गांव में कनाडा में टोरंटो के पास यहां पे आ गया दोस्तों। तो ये रहा एक इम्पोस्टर सिंड्रोम को लेके कि मेरे अंदर भी था, अरे मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, क्या करूँगा, डाउट्स आते थे, लेकिन मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, तो आगे बस कदम बढ़ाता चला गया और थोड़ा कुछ जो मिला आपसे शेयर किया। अब चलिए हम आते हैं कि हाउ टू रिमूव दिस इम्पोस्टर सिंड्रोम दोस्तों, कि इम्पोस्टर सिंड्रोम को कैसे हटाया जाए। सो दोस्तों, इम्पोस्टर सिंड्रोम को हटाने के बहुत अच्छे अच्छे और सरल तरीके हैं, लेकिन शायद उनको अमल करना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन चलिए तब भी इनको शेयर करते हैं। लेकिन उसके पहले अगर हम हाउ टू रिमूव इम्पोस्टर सिंड्रोम, चलिए आते हैं उस पर। तो देखो, पहला सबसे चीज़ क्या है कि इम्पोस्टर सिंड्रोम को, जो आपके अंदर एक सेल्फ डाउट है, जो एक आत्म संदेह रहता है, उसको रिमूव करने के लिए जस्ट टेक रिस्क। As someone said very clearly that the biggest risk in life is not to take the risk. So you have to take the risk. Take the risk and move on. एक बार रिस्क लोगो फेल हो गए, अगली बार वही फेलियर तुम्हारा कॉन्फिडेंस बन जाएगा और आगे बढ़ोगे, क्योंकि वो फेल उस लेवल तक का फेलियर ऑलरेडी आपने देख लिया है। अब नेक्स्ट टाइम कोई और बड़ा रिस्क लोगे तो, जिस किसी ने बोला है कि फेल अर्ली, फेल फास्ट एंड फेल बिग, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा दोस्तों। एनी failure in your life always give you a confidence, but success always make you insecure. So just fail, and fail tab hoge jab aap koi risk loge. So pehla step ki, one of the step to remove your imposter syndrome is to take the risk, and then be real, genuine who you are, nothing to hide, they are going to find out anyway. You are living in today's this social media and internet, who you are not going to hide it. They will come to know anyway. So just be real. क्या होता है जब कोई आप झूठ बोलते हो, कोई चीज को छुपाते हो, तब आपको डर लगता है, अरे लोग क्या कहेंगे। सो when you are open book, you are not hiding anything, कुछ छुपा नहीं रहे हो, तो क्या होगा, जो जो लोगों का, जैसा हमारे सिद्धू साहब हमेशा बोलते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहे लोग, क्या कहेंगे लोग, तो जिंदा बिंदास होके जियो दोस्तों। क्या छुपाना, जो यहां है सबके सामने, चाहे वो आपके गांव के हों, शहर के हों, देश के लोग सब जानते हैं जो आप हो, जब कोई आपको फिर डर ही नहीं रहेगा, तो हु यू आर, जस्ट बी दैट, बी वल्नरेबल। अब जैसे मैं अपनी कभी कभी गांव की कहानियां, अपनी खुद की कहानियां, अपनी वो गरीबी की कहानियां, अपनी वो स्ट्रगल की कहानियां लोग नहीं बताते हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं है दोस्तों अपनी पर्सनल लाइफ को पब्लिक करना। लेकिन ठीक है, मेरे कोई बहुत मजा नहीं आता है, लेकिन सिर्फ ये शेयर करने का केवल फायदा ये होता है कि शायद कोई ऐसा होगा जो इन चीज़ों से डर रहा होगा, उसके अंदर एक इम्पोस्टर सिंड्रोम बैठा होगा, उसके अंदर एक सेल्फ डाउट बैठा होगा, लेकिन मैं शेयर करूँगा तो शायद उसका सेल्फ डाउट क्लियर हो जाए और वो कोई दूसरा बड़ा स्टेप ले ले और उसकी लाइफ इम्प्रूव हो जाए दोस्तों। केवल ये कारण होता है सब लोगों से शेयर करने का। उसके बाद और क्या है कि इम्पोस्टर सिंड्रोम या सेल्फ डाउट को रिमूव करने का, आस्क फॉर हेल्प। It can be your family member, it can be your friend, it can be your teacher, it can be anybody, just, it can be a stranger, it can be your office person, your boss, your subordinate, just ask for help. कितने लोग हैं जो help करने को तैयार रहते हैं लेकिन कोई उनसे पूछता ही नहीं है, तो just ask for help and you'll get it. तो उसके बाद एंड सेकेंड चीज क्या होती है कि दोस्तों, कभी कभी हम क्या होता है कि हम अपनी केवल जो कमजोरियां होती हैं, जो हमारी वीकनेसेस होती हैं, हम उन पे फोकस करते हैं, अरे हमारी तो कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, हमारा तो सेहत अच्छी नहीं है, और हमने तो, अरे हम तो आर्ट साइड पढ़े, हम तो साइंस साइड नहीं पढ़े, अरे हम तो इंजीनियरिंग पढ़े, मेडिकल नहीं पढ़े, तो जो चीज़ हमें नहीं होती है हम उन पर फोकस करते हैं, और उस चक्कर में जो हमारी स्ट्रेंथ होती है उनको कभी हम यूज़ ही नहीं करते और पूरी जिंदगी हम निकाल देते हैं। जैसे एक कहानी बाबू बताते थे और कई जगह बताई गई, आपको ही मालूम होगी वो कहानी, है ना, कि कोई आदमी आम लेके आता है, और आम या कोई मतलब फल लेके आता है, चलो हम आम ही ले लेते हैं, कि वो आम लेके आता है और दो दर्जन आम लेके आए और फ्रिज में रखे, तो एक दूसरे दिन जब फ्रिज खोला तो देखा, अरे एक आम इसमें खराब है, चलो उसको खा लेते हैं, तो एक आम उसने खराब था उसको खाया,
और दूसरे दिन फिर फिश खोलता है और देखता है एक आग और ख़राब हो गया है। तो क्या हुआ कि हर दिन फिश खोलता गया, एक आग आम उसको ख़राब मिलता गया एंड अल्टीमेटली ही एंड अप ईटिंग ऑल बैड मैंगोज, ऑल रॉटन मैंगोज, वो ख़राब आम ही पूरे खाए। लेकिन अगर वो एक ख़राब आम फेंक दिया होता दोस्तों, तो शायद वो सारे अच्छे आम खाता। तो कहानी का जेस्ट ये है कि हम कभी कभी वो केवल जो खराब आम था, इसी तरीके जो हमारी वीकनेस होती हैं, जो हमें खराबियां होती हैं, हम केवल उन्हीं में फोकस करते रहते हैं, और जो हमारे अंदर स्ट्रेंथ होती है, अच्छाइयां होती हैं, कभी हम उनका यूज़ कर ही नहीं पाते हैं दोस्तों। या तो इस तरीके से मैंने बताई कि आपने अगर इस इम्पोस्टर सिंड्रोम है, अगर अपने अंदर संदेह है, तो उसको रिमूव करने के लिए क्या है कि आप रिस्क ले सकते हैं और जस्ट बी हु यू आर, आप वल्नरेबल हो सकते हैं, जो हैं आप उसको शेयर करें, लोगों से कोई चीज़ छुपाने की ज़रूरत नहीं है, एंड जब आपको ज़रूरत हो तो लोगों की हेल्प मांगें, और अपनी क्या करें कि आपके अंदर जो स्ट्रेंथ हैं उन पे फोकस करें और कोशिश करें कि उन स्ट्रेंथ पे ही अपना करियर और बिजनेस बनाएं। अगर आपको अच्छा बोलना आता है तो पब्लिक स्पीकर बने या लीडर बने, उस फील्ड में जाएं। अगर आपको अच्छा लिखना आता है, राइटर बन सकते हैं, पोएट बन सकते हैं, उस फील्ड में जाएं। होता क्या है अनफॉर्चुनेट दोस्तों कि जो हमारी स्ट्रेंथ होती हैं, ज़्यादातर हमारे जो करियर चॉइसेस होती हैं वो हम खुद नहीं करते अपनी स्ट्रेंथ बेस पे, ज़्यादातर वो चॉइसेस होती हैं बेस्ड ऑन आवर पेरेंट्स, बेस्ड ऑन आवर रिलेटिव टिप्स और फ्रेंड्स, उनके बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं। और ज़्यादातर लोग देखते होंगे, लोग खुश नहीं होते हैं, या कितने केसेस आप ऐसे सुनते होंगे कि एक लॉयर जो है वो एक आईटी प्रोफेशनल बन गया, एक आईटी वाला बंदा एक राइटर बन गया, और कितने ऐसे एग्जांपल मिलेंगे यू नो। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो उनकी स्ट्रेंथ थी, जब वो आपके प्रोफेशन या बिजनेस में यूज़ नहीं होंगी, तो आपको हमेशा रेस्टलेस रहेगी, कभी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। इसलिए अपनी स्ट्रेंथ को समझें, फिर उसी को ऐसे प्रोफेशन या बिजनेस चूज करें जिसमें आपकी वो स्ट्रेंथ यूज हो रही है दोस्तों। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई बिजनेस शुरू किया और उस बिजनेस में आपके पास जो स्ट्रेंथ थी ठीक है, लेकिन खाली वही स्ट्रेंथ नहीं, और भी चीजें बिजनेस में जरूरी होती हैं, तो किसी ने जैसे बोला है देन हायर योर वीकनेसेस। अगर आप अकाउंटिंग में अच्छे नहीं तो अकाउंटेंट हायर करें, अगर आप जो है सोशल मीडिया में अच्छे नहीं तो सोशल मीडिया के एक्सपर्ट्स को हायर करें, तो उसको आउटसोर्स कर दें। तो जो आपके अंदर केवल स्ट्रेंथ हैं, कोशिश करें कि उन्हीं पे आप फोकस करें, बाकी दूसरीयों को आप हायर कर लें या आउटसोर्स कर दें। सो दोस्तों, ये रहा कि हाउ टू रिमूव इम्पोस्टर सिंड्रोम। उसके बाद क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि आपको कुछ जगह भी चेंज करनी पड़ती है। अगर सपोज क्या, जैसे मैं अपने गांव में ही होता तो मैं कितने भी रिस्क लेता, कितने भी, अगर मैं गांव नहीं छोड़ता तो सारे जितने मैंने इम्पोस्टर सिंड्रोम रिमूव करने के जितने भी तरीके बताए, अगर गाँव में रहता और करता तो शायद क्या होता है, एक लिमिट होती है, वो जो रिसोर्सेज होते हैं हमारे गांव घर के, तो उससे ज़्यादा तो मेरे को नहीं मिलेंगे, तो उससे क्या होता है, एक हमारी क्या होती है कि फिर लिमिट हो जाती है, उससे ज़्यादा हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि देश भी छोड़ना पड़ सकता है, शहर भी छोड़ना पड़ सकता है, गांव भी छोड़ना पड़ सकता है। मैंने क्या किया, मैं जगना खेड़ा छोड़ करके इलाहाबाद गया, इलाहाबाद से दिल्ली गया, मिडल ईस्ट गया, अमेरिका गया, यूरोप गया, और कनाडा में आके सेटल हो गया, दौड़ता रहा, भागता रहा और यहां आके पहुंचा। इसी तरह आपको भी छोड़ना पड़ सकता है। और तो और मैं कुछ एग्जाम्पल लेना चाहूँगा दोस्तों, जो नोबल प्राइज़ का तो नाम सुना ही होगा, आज के अंदर अगर देखा जाए, हो सकता है कि मैं अपने कुछ स्टेट्स में गलत हूँ, लेकिन शायद 5 लोगों को आज तक हिंदुस्तान में नोबल प्राइज़ मिला है। डॉक्टर सी वी रमन, हमारे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी, मदर थेरेसा और डॉक्टर अमृता सेन, एंड लास्ट में भी कुछ साल पहले हमारे श्री कैलाश शर्मा जी को, शायद अभी उनका लास्ट नेम चेंज हो गया, पहले कैलाश शर्मा ही था जो बॉर्न हुए थे, तो इन 5 लोगों को मिला। तो दोस्तों, अगर कैलाश शर्मा जी, तो खैर अभी 2-3 साल पहले मिला, क्योंकि इतना ज़्यादा अभी इंटरनेट, सोशल मीडिया और सारा बहुत सारे रिसोर्सेज मिल गए, लेकिन बाकी जो 4 नोबल प्राइज़ देखे हैं, तो किसी को नोबल प्राइज़ इंडिया में रहते हुए दोस्तों कभी कभी नहीं मिला। डॉक्टर सी वी रमन अगर आप पढ़ें तो शायद उनको 1930 में मिला होगा, और 1921 या 1912 के आसपास वो जब यूरोप के टूर पर गए थे, तो अपने जहाज पे थे, तो कहीं ग्लेशियर से उन्होंने वो देखा और सन बीम्स को टकराते हुए, तो उनको इमेजिनेशन आई, एंड देन वो जो भी रिफ्रैक्शन या जिस पे भी लाइट पे जो उन्होंने अपना रिसर्च किया था, जिन पे नोबेल प्राइज मिला था। इसी तरीके से डॉक्टर अगर गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर के पापा भाई बहुत पैसे रुपए वाले तो उनको बैरिस्टर बनाना चाहते थे, वो इंग्लैंड गए और इंग्लैंड में रहने पढ़ने के बाद बहुत साल बाद तब जाके उनको नोबेल प्राइज मिला, तो एक तरीके से उनकी भी ओरिजिन विदेश में थी। डॉक्टर
अमृता सेन की बात करें जो अर्थशास्त्री हैं, जाके अभी अभी इंग्लैंड में बसे हुए हैं, वो भी देश छोड़ दिए तभी उनको मिला। और मदर टेरेसा का तो आप जानते ही हैं कि उनकी ओरिजिन ही बाहर की है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आई एम प्राउड इंडियन, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें अपने स्ट्रेंथ को यूज़ करने का, या कह लें कि हमारी स्ट्रेंथ को लोग जल्दी नहीं समझ पाते हैं अपने ही देश के अंदर। तो इस तरीके से कभी कभी एक ये भी रीज़न था कि देश छोड़ने का, कि बाहर जाके और रिसोर्सेज मिलते हैं और आपको क्या होती है, एक फ्रीडम होती है आपको चीज़ों को ट्राई करने की, और इनकरेज किया जाता है, बहुत ज़्यादा इनकरेज किया जाता है। नाउ थिंग्स आर चेंजिंग इन इंडिया ऑल्सो मच बेटर वे, बट स्टिल लाइक देर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज वन यू लिव स्पेशली इन यूरोप एंड इन अमेरिकन कॉन्टिनेंट इन दैट साइड। दूसरा एग्जाम्पल दोस्तों देना चाहूँगा, ऐसा लग रहा हूँ कि मैं इंडिया की बुराई करने में लगा हूँ, लेकिन बुराई नहीं करने में लगा हूँ। एक क्या है कि ये देखता हूँ कि अपने रिसोर्सेज होते हुए भी हम उनको क्यों नहीं यूज़ कर पाते हैं, क्योंकि हमारी सोच का एक तो होता है, और कभी कभी हमारी सोच जो है वो इम्पोस्टर सिंड्रोम और सेल्फ डाउट का शिकार हो जाती है, और हमारे अंदर सारे स्किल्स होते हुए भी हम उनको यूटिलाइज़ और यूज़ नहीं कर सकते। तो कुछ नाम मैं लेना चाहूँगा, अमित, मेरे ब्रदर अमित, उसके बाद डेबी क्लार्क एंड देन केविन बर्मर, सॉरी मैन आई डोंट नो इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, दिस इज हिंग्लिश शो, हिंदी एंड इंग्लिश, अमूल्या भाई एंड शगुप्ता वाम जी, थैंक यू वेरी मच, दांते मैग्नोटी एंड बजिंदर सिंह, थैंक यू वेरी मच, विशाल कपूर भाई, थैंक यू वेरी मच, सधोला मिश्रा भाई साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। सो गाइज, या सो आई वॉज टेकिंग एन एग्जाम्पल। सो दूसरा एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा दोस्तों बॉलीवुड का। बॉलीवुड का ये एग्जाम्पल है कि थोड़ा सा उससे मेरा भी रिलेशन है, मैं अभी उस पर आऊँगा मैं बॉलीवुड का एग्जाम्पल क्यों ले रहा हूँ। तो इसके पहले भी हमने एग्जाम्पल दिया कि 5 लोगों को इंडिया में नोबेल प्राइज़ मिला, लेकिन 4 लोगों को इंडिया में रहते हुए नहीं मिला, जब वो इंडिया छोड़ दिए तभी जाके मिला, क्योंकि उनको अपनी स्किल्स को और ज़्यादा शाइन करने का मौका मिला। या दूसरी बात पे आते हैं कि अगर आपको याद हो तो आजकल केवल इंडिया में बनी 2 ही पिक्चरों को ऑस्कर मिले हैं, और दोनों को 8 ऑस्कर मिले। एक पहली पिक्चर थी 1982 में गांधी। दोस्तों हमारी पृष्ठभूमि में वो बनी पिक्चर गांधी, लेकिन हमारे देश के कभी किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर को इतना नहीं सोचा कि ऐसी पिक्चर बनाई जाए। और कौन डायरेक्टर थे? डायरेक्टर थे हमारे एटनबरो साहब, वो इंग्लैंड से थे, और उतने बड़े ऑलमोस्ट 1 बिलियन इंडियंस में उनको गांधी हिंदुस्तान के अंदर नहीं मिला। बेन किंग्सले साहब वो उसमें गांधी बने। बेन किंग्सले साहब की ओरिजिन कहीं से गुजरात इंडिया से है, लेकिन अल्टीमेटली ही इज द बेस्ट। ठीक है, नथिंग रॉन्ग इन टू इट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हमारे अंदर इतने रिसोर्सेज हैं, लेकिन हम खुद उन रिसोर्सेज को यूज नहीं कर पाते या उस लेवल पे नहीं ले जा पाते। तो 1982 में गांधी पिक्चर रिलीज हुई और उसको 8 ऑस्कर्स मिले। दोस्तों हिस्ट्री अगेन रिपीट्स। 2008 में स्लम डॉग मिलियनेयर मूवी रिलीज होती है, अगेन इंडियन पृष्ठभूमि में बनी हुई है, लेकिन डायरेक्टर उसके अगेन हमारे डेविड बॉयल साहब, वो भी कहाँ से? इंग्लैंड से। और उसके जो प्रोटागनिस्ट थे, स्पेशली हमारे पटेल साहब जो उसमें काम किया था, वो भी ब्रिटिश बच्चा था। तो क्या है कि अगेन उसको ऑस्कर मिलते हैं। तो आज तक ऑस्कर, ये नहीं कहता हूँ कि हमारा जो फिल्म फेयर जो है उससे ही बड़ा है, हमें प्राउड है, लेकिन एक अभी भी जो कंपैरिजन किया जाता है विश्व स्तर पर हॉलीवुड और बॉलीवुड का, और आज तक क्या हुआ कि हमारे जो डॉक्टर, आई थिंक क्या नाम, मैं नाम भूल रहा हूँ, जो हमारे वो डायरेक्टर थे बंगाल से, नाम नहीं याद आ रहा है, तो उनको केवल मिला था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 1992 में, और एक वो गांधी पिक्चर में एक कोई लेडी थी, वो शायद कुछ कास्ट्यूम डिज़ाइनर वगैरह थे, उनको मिला था। बाकी आज तक और कोई ऑस्कर नहीं मिले। अगर देखा जाए तो हमारी जो लगान पिक्चर जो गई थी ऑस्कर में, लेकिन कुछ नहीं हुआ, चलिए कोई बात नहीं। तो ये बताना ये चाह रहा था कि हमारे अंदर क्या होता है कि हम हजारों पिक्चरें बनाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारी सोच ये होती है पिक्चर बनने से पहले कि भाई इसका रिटर्न कितना आएगा, तो हम उसमें अपनी आर्ट और अपनी कल्चर उसको उस लेवल पे नहीं दिखा पाते जो कि दिखाना चाहिए। ऐसा नहीं कि पिक्चर नहीं बनती थी। अगर हम स्लमडॉग मिलियनेयर देखें, और एक पिक्चर आई थी 1980s उसी के आसपास गांधी के पास, और उसका नाम था सलाम बॉम्बे। बहुत सारी कहानी स्लमडॉग मिलियनेयर जैसी थी, मीरा नायर ने बनाई थी। लेकिन एनीवे, एक मैं जस्ट ये जस्टिफिकेशन के लिए कि हाँ हमारे अंदर सब कुछ होते हुए भी, लेकिन हमारे रिसोर्सेज को दूसरे लोग ज़्यादा अच्छी तरीके से टैप
करना जानते हैं। दोस्तों मैं आईटी का हूं पिछले 15 सालों से, और अगर आईटी में आज के देश में देखा जाए तो पूरी दुनिया में शायद हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा स्किलफुल आईटी प्रोफेशनल्स होंगे। नॉट ओनली दैट, दुनिया की आज जो सबसे बड़ी 5 आईटी कंपनियां हैं या इंटरनेट सोशल मीडिया, जैसे आप आईबीएम ले लें, ओरेकल ले लें, माइक्रोसॉफ्ट ले लें, फेसबुक ले लें, गूगल ले लें, और यहाँ तक इनके तो कईयों के तो चीफ भी इंडियन हैं, लेकिन दोस्तों दुर्भाग्यवश आज तक कभी भी किसी इंडियन कंपनी ने ऐसा कोई प्रोडक्ट आईटी में सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर या कोई ऐसा पैकेज डेवलप किया होगा जिससे जिसकी कि पूरे विश्व में मोनोपोली हो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के और ओरेकल के ऐसे प्रोडक्ट होते हैं। हम नहीं बना पाए और हम वो मोनोपोली, हम वो लीडरशिप नहीं क्रिएट कर पाए। दुख होता है कि उस लेवल पे अभी सोचने की कमी है, लीडरशिप की अभी भी कमी है, लेकिन धीरे धीरे चेंज हो रहा है, लेकिन कितना टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा उस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा दुख जरूर होता है। तो दोस्तों थोड़ा सा शायद मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया हूँ, लेकिन ये कहना चाहता था कि एक इम्पोस्टर सिंड्रोम और सेल्फ डाउट क्या होता है, कि हमारे ज़िंदगी में हमें ऐसे मतलब जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उनको लेने में हमें बाधा बन जाता है। तो दोस्तों इसको बाधा मत बनने दें, क्योंकि आज का जैसा समय कभी नहीं रहा है। और दोस्तों अभी जब मैं बात कर रहा था कि इम्पोस्टर सिंड्रोम कैसे रिमूव किया जाए, तो सारे मैंने आपको एक तरीके से जो मुझे याद थे, जो मैंने सुने या पढ़े या अपने ऊपर अप्लाई किए, वो मैंने आपसे शेयर किया। लेकिन सबसे बड़ा अगर देखा जाए कि जो रिस्क लेना है कि आगे बढ़ने के लिए, वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन कुछ लोग डरते हैं। तो अगर एक थोड़ा सा फिलोसफिकल रिस्पांस है, लेकिन सबसे बड़ा तो अगर आप ये देख लें कि तो वन डे वी ऑल हैव टू गो, वी हैव ओनली वन लाइफ। जब हम छोटे थे तो सुनते थे वो गीता के जो उपदेश, अरे हम क्या लेके आए हैं और क्या लेके जाएंगे, तो बड़ा अजीब सा लगता था। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है तो सो इट वाज सो ट्रू। तो ये जिंदगी मिली है दोस्तों, एक ही जिंदगी मिली है। अब पता नहीं कौन कौन लोग इसमें सुन रहे हैं, लेकिन डिपेंड करता है आप किस उम्र में हैं, 25 में हैं कि आप 95 में हैं। एक समय ऐसा भी आएगा, दैट इज फॉर श्योर, कि हम चाह करके भी अगर कुछ करना चाहें तो नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों अब हम सभी जानते हैं कि आई थिंक जिस एज में हम लोग जी रहे हैं टुडे, वन ऑफ द बेस्ट टाइम एवर इन ह्यूमन रेस टू डू एनीथिंग। बट दोस्तों क्या होता है कि कभी कभी हम पैसा पैसा पैसा, जरूरी है पैसा, लेकिन कभी बैठ के सोचो। मैंने सोचा, आपसे शेयर भी किया, आप बहुत लोगों को मालूम होगा कि इसी आईटी के थ्रू मैंने बस देखा कि एक ही ज़िंदगी मिली है और बहुत आने वाले समय में ये ज़िंदगी चली भी जाएगी, तो कुछ ऐसा करें जिसमें मुझे करने में मज़ा आता है। दोस्तों ये करने में मुझे मज़ा आता है कि दोस्तों के साथ, लोगों के साथ शेयर करने में, उनको मोटिवेट करने में, उनको इंस्पायर करने में, और उनको इस तरीके की चीज़ों की सलाह दे के जिससे कि उनके अंदर इम्पोस्टर सिंड्रोम और सेल्फ डाउट आगे ना आए और अगला स्टेप लें, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन दोस्तों सबसे पहले आप दूसरों की परोपकार करें, पहले अपने आप का उपकार करना पड़ता है। तो वो है कि आपकी अपनी खुद की फैमिली, एक लिमिट तक आपके माँ बाप होते हैं, भाई बहन होते हैं, उसके बाद आपका अपना परिवार होता है। लेकिन दोस्तों अगर देखें तो पूरी ज़िंदगी भर चाहे तो आप करते रहें, एक गाड़ी नहीं, 4 गाड़ी, पहले वो टोयोटा आई, फिर होंडा आई, और उसके बाद से मर्सिडीज आ गई, फिर लंबोर्गिनी आ गई, कोई लिमिट नहीं। उसके बाद प्लेन हो गया, जहाज हो गए, और एक घर से 10 घर हो गए, और महंगी, कहने मतलब कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर ये देखें कि जैसे मैंने सोचा कि लाइफ एक ही ज़िंदगी मिली हुई है, तो क्या करें कि दूसरों के काम आ जाएं, अपने परिवार के अलावा भी आ सकें दूसरों के काम। तो दोस्तों उसके देखा कि अपने परिवार की जिम्मेदारी है, तो देखा कि अपने भाई क्या चाहिए अपने इमीडिएट परिवार को, तो पता लगा कि भाई 3 चीज़ें चाहिए उनके लिए। अपना जो घर जो रहते हो उसको अगर पेआफ कर दो, उसके बाद जो आपके घर के खर्चे हैं मंथली, वो कहीं से अगर ऑटोमेटिक तरीके से आने लगें, और बच्चों के एजुकेशन के लिए फंड्स, अगर 3 चीज़ें हो जाएं, तो आप जो चाहो सो करो। तो वही दोस्तों किया, ऐसा नहीं कि बहुत मिलियंस ऑफ डॉलर, नहीं, एक सिंपल जिसको बोलते हैं इकॉनमी क्लास रिटायरमेंट, और उसके बाद आप क्या करता हूँ,
कोर्सेज क्रिएट करता हूँ, स्पीचेस देता हूँ, कोचिंग देता हूँ। और हो कभी कभी तो क्या होता है, जब आप इस माहौल में होते हो कि पूरा माइंड आपका फ्री होता है, तब आप ऐसी सी चीज़ें करते हो कि और पैसा आता है और नाम आता है और शोहरत आती है और खुशी। सबसे बड़ा क्या होता है कि आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि जो आप करना चाहते थे आपने ट्राई किया। सो व्हेन यू आर इन द डाइंग डेज यू कैन डाई विदाउट एनी रिग्रेट। एज समवन सेड, the best outcome of life, that is regret free dying. So dosto, aaj thoda sa serious ho gaya shayad last mein, lekin bas aapse yahi bolna tha ki ye aap apne imposter syndrome ko beech mein na aane dein. Jo aapko karna hai pehle ye pata kare, clarity kare ki aapko karna kya hai, uske baad just write it down ki uske liye क्या चीज़ आड़े आ रही है वो करने में, और केवल उन्हीं पे फोकस करें। उसके पास पता करें कि जो रिसोर्सेज आपको चाहिए वो चीज़ पाने के लिए वो कहाँ से मिल सकता है। हो सकता है आपको ना मालूम हो, अगेन जैसे मैंने पूछा, मैंने बोला कि आस्क, जस्ट आस्क, लोगों से, अपने दोस्तों से पूछें, और नहीं तो अगर सीधे गूगल में टाइप करें और यूट्यूब में टाइप करें और सुनें उन वीडियोस को और रीड करें उन आर्टिकल्स को, और उनसे आपको बहुत कुछ मिलेगा। दोस्तों कुछ ना कुछ करें। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल अभी आप देखें कि जैसे टेक टॉक्स हैं, अभी जो इंडिया के यू नो द जोश टॉक है ना, JOSS, जोश, यू नो जोश में आके जो जोश टॉक, खाली मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ या जो टीनेजर हैं या 20s में या 30s में 40s में, खाली एक टेक टॉक सुने हर वीक में और एक जोश टॉक सुने। दोस्तों ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आएंगे। अब कोई इसलिए बोलता हूँ उनको सुने कि अभी तक आप कोई बड़ा आदमी बनने से या बड़ा बिजनेस करने से इसलिए रुक रहे हैं कि आपके पास वो बहुत सारे एक्सक्यूज़ भरे पड़े हुए हैं। लेकिन जब आप टेड टॉक सुनेंगे दोस्तों, जॉस टॉक सुनेंगे दोस्तों, अभी शाहरुख खान ने भी शुरू किया टेड टॉक इंडिया का वर्जन, उनको सुनेंगे तो आपको लगेगा अरे आम आदमी लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो बहुत बहुत आसान है दोस्तों, और इससे आपको बहुत सारे तरीके मिलते हैं कि अरे ये तो मैं सोच रहा था लेकिन इसका ये सलूशन था। तो दोस्तों आई थिंक बहुत आज के लिए काफ़ी इतना हो गया, और उसके बाद हमारे विशाल कपूर भाई साहब के पास, शधोला मिश्रा भाई साहब के पास जो है, हमारे बर्नी कपोला, टोनी कारवालो एंड ब्रिजेश द्विवेदी जी, जफर मोहम्मद साहब एंड हरीश देवाल जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। सो दोस्तों अगर जरा सा भी इसमें कोई चीज़ अच्छी लगी हो तो और लोगों से शेयर करें, अपने चाहे फेसबुक में, यूट्यूब में या कहीं से। और कोई निस्वार्थ भावना रहती है दोस्तों खाली अपने लाइफ को शेयर करने की, जो पढ़ता रहता हूँ क्योंकि थोड़ा टाइम फ्री रहता है तो पढ़ता रहता हूँ, उसके बाद अगर इसको दूसरों से शेयर ना किया जाए तो पढ़ के मैं क्या करूँगा, इसलिए ये शेयर करता हूँ। कुछ चीज़ें जो अच्छी लगी हों तो आप बताएँ, कुछ सजेशन हो तो आप बताएँ। लास्ट में एक हमारे वर्चुअल कोच हैं और बी रसल साहब, मैं एक उनका जो है वो कोट आपके सामने रिसाइट करना चाहूँगा, थोड़ा सा उसको मैंने इम्प्रोवाइज किया है तो उसकी मीनिंग वही है, तो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं लेकिन उसकी मीनिंग है। तो हमारे जो बी रसल साहब जो हमारे वर्चुअल कोच हैं वो ये कहते हैं दोस्तों, उन्होंने एक कंपैरिजन किया है कि जो बेवकूफ़ लोग होते हैं, जो स्टूपिड लोग होते हैं, फूल्स होते हैं, और एक जो इंटेलिजेंट और वाइज लोग होते हैं, उनमें उन्होंने ये कोट लिखा है। तो दोस्तों सुनिएगा गौर से, ये कोटेशन मैं आपके लिए रिसाइट करता हूँ, और वो कोट गोज समथिंग लाइक दिस, इट्स टू सैड that stupid and fools are full of confidence and certainty about themselves, while wiser and intelligent people are full of doubts and uncertainty about themselves. Isn't it too sad? Yeah? So, dosto, ये होता है। तो क्या होता है कि कभी कभी हम उनको फूल बोलें या स्टूपिड बोलें, जो भी बोलें, वो लोग बिंदास जीते हैं और स्टेप बाय स्टेप लेते चले जाते हैं बिना इसके परवाह किए कि क्या होगा। ठीक है, दैट इज़ आल्सो नॉट द वे, बट सम टाइम यू कैनॉट बी लाइक टू मच सेल्फ कॉन्शियस कि सारे डाउट्स अंदर आ जाएं और आप स्टेप ही ना लें। तो दोस्तों आज के दिन बस इतना, बहुत अच्छा लगता है आपके सामने आपके साथ बात करके हर मंडे को, देखिए कब तक कर सकता हूँ, और बस कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ शेयर किया जाए, बड़ा अच्छा लगता है दोस्तों। तो अभी एक बार फिर से मैं थोड़ा सा नाम ले लूँ, अच्छा लगता है दोबारा नाम लेना, और नीता
जी थैंक यू वेरी मच महेंद्र मिश्रा भाई, थैंक्स लॉट दिल्ली से, एंड देवी शंकर भट्ट साहब, एंड चैन मोहम्मद इस्माइल साहब, राहुल सिंह जी एंड अमित मेरे भाई, एंड देवी केविन अमूल्या शगुप्तावान जी, बहुत सारे मतलब इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चन, ऐसा गुप्ता जी तो खैर बहुत कुछ मालूम है मेरे बारे में आपको इंटरव्यू के थ्रू बहुत कुछ, एंड दांते मिगनॉडी बजिंदर जी थैंक यू वेरी मच, विशाल भाई थैंक्स अलॉट, सधोला मिश्रा भाई साहब थैंक यू वेरी मच ऑल द वे, इतनी दूर से सुन रहे हैं आप, एंड बेरी कपोला एंड टोनी कारवालो, ब्रजन द्विवेदी, जफर मोहब्बत साहब एंड हरीश देवाल साहब एंड चंद्रशेखर सिंह, थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीबडी, एंड प्लीज़ शेयर, कुछ भी अगर अच्छा लगा हो तो सिर्फ आप यस टाइप करें, वाई ई एस एस टाइप कर दें कमेंट में, देखेंगे शायद कुछ अच्छा लगा होगा, नहीं तो कोई बात नहीं, इस जर्नी पर निकला हूँ, कुछ ना कुछ शेयर करता रहूँगा, बस केवल इतना ध्यान में रखता हूँ कि किसी को किसी चीज़ से हार्म ना हो, किसी को चाहे कोई पॉलिटिकल चीज़ हो या रिलीजियस चीज़ हो, वह मैं इसमें कभी नहीं बोलता किसी को हार्म ना हो, बस अपनी ज़िंदगी और जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको इसके थ्रू शेयर करता हूँ। दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं लफ्ज़ों के साथ अब हम आपसे आज्ञा लेता हूँ कि अब हम अभी इसको वार्ता को बंद करते हैं, और इस वादे के साथ कि अगले सोमवार को सुबह इंडियन टाइम अराउंड 9:30 AM फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ डू शेयर इफ यू लाइक एनीथिंग, एंड प्लीज़ पास ऑन योर कमेंट इफ यू हैव एनी सजेशन। सो थैंक यू वेरी मच, एंड सी यू नेक्स्ट मंडे एट 9 AM इंडियन टाइम। बाय बाय, टेक केयर।